दोस्तों, ये है बेतवा नदी का विहंगम दृश्य और इसी से लगा हुआ है बिल्कुल राजघाट बांध। तो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि राजघाट की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे अगर मेरा वहाँ से निकलना हुआ। तो अभी मैं हूँ अशोकनगर ज़िले में और वो सामने आप जो देख रहे हैं वहाँ से शुरू होता है उत्तर प्रदेश का ललितपुर ज़िला। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश और ललितपुर उत्तर प्रदेश की ये सीमा है और ये देखिए खूबसूरत सा प्यारा सा नज़ारा बेतवा नदी का और ये है राजघाट बांध जो कि बहुत ही बड़ा बांध है। यहाँ से बिजली उत्पादन भी होता है। खूबसूरत सा ये दृश्य, कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, देखिए वो काट भी रहे हैं और जो तस्वीरें हैं ये बहुत ही प्यारी सी तस्वीरें आपको देख रही होंगी बेतवा नदी, क्योंकि गेट इस समय बंद है राजघाट डैम के। उस तरफ सामने जो आपको जंगल सा दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से लग जाती है ललितपुर ज़िले की सीमा। और वहीं अगर दूसरी तरफ मैं इस तरफ आपको दिखाऊँ तो ये है मध्य प्रदेश के अशोकनगर की सीमा, आपको दिख रही होगी। और सामने ठीक ये है राजघाट डैम। कुछ जूम करने की कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाने की। ये देखिए शायद तस्वीरें आपको अच्छी नज़र आ रही हों। ये है राजघाट डैम। तो लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरे लोगों तक भी पहुँचाइए। जिन लोगों ने नहीं देखा है बेतवा का ये दृश्य, उनको भी दिखाइए। थैंक्स।